हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी की, जो कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से रिलीज की गई है। आईटीबीपी की तरफ से कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। कंप्लीट डिटेल्स इस वैकेंसी की हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। टोटल 108 पोस्ट रिलीज की गई है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस, PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी आपके ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है। चलिए गाइस, जान लेते हैं वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स। तो गाइस, ये वैकेंसी जो रिलीज की गई है वो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स की तरफ से कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर रिलीज की गई है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल मेसन और कांस्टेबल प्लम्बर की पोस्ट के ऊपर ये रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे सैलरी बनेगी 21,700 से लेकर के 69,100 तक आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं 108 है। गाइस, वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे गिवन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 56 वैकेंसीज जो रिलीज की गई है वो कांस्टेबल कारपेंटर की रिलीज की गई है। 31 वैकेंसीज गाइस यहाँ पे कांस्टेबल मेसन की रिलीज की गई है, और कांस्टेबल प्लम्बर की 21 वैकेंसीज रिलीज की गई है। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे गाइस यहाँ पे आप लोग रिक्रूटमेंट के लिए, आप लोग इसके लिए अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं। तो आप लोग www.recruitment.itbppolice.nic.in पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहले एज लिमिट की बात करेंगे, 18 से 23 ईयर्स गाइस यहाँ पे एज लिमिट है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 23 ईयर्स गिवन है, तो इसको ध्यान आप दीजिएगा। साथ ही अपर एज लिमिट के अंदर गाइस यहाँ पे गिवन है, गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पे गाइस आपकी जो एज लिमिट की डेट है वो डिसाइड करने की डेट यहाँ पे रखी गई है, जो कि आपकी क्लोजिंग डेट है, दैट इज 17 सितंबर 2022। तो इस डेट पे आपका एज का लिमिट का जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो फुलफिल होना चाहिए। अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में गाइस यहाँ पे आप लोगों ने 10th पास किया हो, सिंपली यहाँ पे लिखा है। उसके बाद गाइस लिखा हुआ है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके रिलेवेंट ट्रेड के अंदर, जिसके भी आप लिए आप अप्लाई करें। आप लोग मेसन के लिए अप्लाई करें तो मेसन के अंदर आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। कारपेंटर के लिए कर रहे हैं तो कारपेंटर के लिए आपका होना चाहिए। प्लम्बर के लिए कर रहे हैं तो प्लम्बर ट्रेड के अंदर आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब साथ ही बात कर लेते हैं गाइस आगे हम लोग यहाँ पे कि कब तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड क्या लास्ट डेट यहाँ पे रहने वाली है। मतलब आप लोग लास्ट डेट आपकी यहाँ पे रहेगी 17 सितंबर 2022। आप लोग यहाँ पे 19 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से अप्लाई करेंगे, www.recruitment.itbpolice.nic.in इस पे जाकर के, ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। होप सो गाइस यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस, PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी आपके ऊपर, उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT JEE नीट। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से आप लोग अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।